आज हमारे पास आ चुका है वीवो का V20, तो ब्रांडेड फोन है। इसके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, बॉक्स हमारे पास पहुँच चुका है फ्लिपकार्ट से, जो कि हमें यहाँ पर भेजा गया है। हमने ऑर्डर करा था यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पर, तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी यहाँ पर भेज दिया गया है। 2 से 3 दिन लगे हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से इस फ़ोन को हमारे तक पहुँचाने में। और बॉक्स कंटेंट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अंदर से इस प्रकार से हमें फ़ोन प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से पैकिंग करके भेजा गया है, जिसमें एक यहाँ पर साथ में बिल भी दिया गया है। अब बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सामने से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें वीवो V20 लिखा हुआ है। सामने से यहाँ पर साइड में भी वैसा ही दिखता है और बैक साइड में कुछ जानकारियाँ लिख के प्राइस भी दी गई है। अब बॉक्स को खोल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, और दिखाते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और वीवो ने इस बार हमें क्या क्या प्रोवाइड कराया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इसे। हमारे पास कटर नहीं है दोस्तों, इसलिए हमने पेन का इस्तेमाल करा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो पे। और बॉक्स का अगर फर्स्ट लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, कुछ अलग सा डिज़ाइन बना के दिया गया है। यहाँ पर इस बॉक्स की बात करें तो इसमें एक ही सील लगा के दी गई है, जो कि बैक साइड में है। इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये हमने ओपन कर लिया है, अब इसको देखते हैं। ये सबसे पहले V20 करके लिखा गया है, एक बॉक्स यहाँ पर है ऊपर से, उसको निकाल लेते हैं बाहर और जस्ट उसके नीचे ही यहाँ पर फ़ोन देखने को मिलता है। तो बॉक्स की बात करें तो उसके अंदर हमें एक केस कवर मिलता है, जो कि ट्रांसपेरेंट कवर है, जिससे कि आप अपने फ़ोन में स्क्रैच या फिर डेंट लगने से बचा सकते हैं। एक सिम इजेक्टर पिन है, वारंटी कार्ड और अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। फ़ोन यहाँ पर बॉक्स से निकाल लेते हैं। कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर सामान अंदर से बॉक्स में। तो सबसे पहले फ़ोन निकाल के देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। मिडनाइट जैज कलर है दोस्तों, ये कुछ अलग सा कलर है, बहुत बढ़िया सा लग रहा था देखने में, इसलिए हमने इसी को ऑर्डर करा है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा ये कलर वाकई में बढ़िया सा लगता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कलर किस प्रकार से देखने को मिलता है, कुछ अलग कलर है। ऐसा कलर अभी तक आपने फ़ोनों पर देखा नहीं होगा। चार्जर की बात करें तो यहाँ पर फास्ट चार्जर दिया गया है 33 वॉट का, जो कि इस प्रकार से देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखें तो इसके जो केबल दी गई है वो सी टाइप दी गई है, जो कि अब ट्रेंड हो चुका है दोस्तों। और साथ में हमें यहाँ पर हेडफोन एयरफोन भी देखने को मिलते हैं, जो कि अब वीवो में ही मिल रहे हैं, बाकी अन्य फ़ोनों ने देने बंद कर दिए हैं। वीवो भी यहाँ पर कम फोनों में देता है, इस वाले फ़ोन में दिया है। तो फटाफट से इसको बूट कर लेते हैं। तो फ़ोन हमारा बूट हो चुका है और इंटरफेस देखें तो फर्स्ट लुक कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और कोई भी यहाँ पर चाइनीज ऐप इस फ़ोन में नहीं देखने को मिलती है, गवर्नमेंट रूल के बाद अब यहाँ पर आखिरकार वीवो ने मान ही लिया और यहाँ पर चाइनीज ऐप हटा के दे दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिलता है। सुपर एमुलेट यहाँ पर स्क्रीन है इसकी, ये हम आपको अंदर से इंटरफेस दिखाते हैं इसका, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और बॉक्स से बाहर ये हमें एंड्रॉयड 11 पे मिलता है, जैसा कि कंपनी ने यहाँ पर बताया है अपनी वीडियो पे। आगे आपको मैं इसका लॉन्चिंग वीडियो भी दिखाऊँगा, जहाँ पर इन्हें इसके अन्य फीचर्स बताए हैं और मैं भी इसके फीचर्स बताऊँगा आपको आगे। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 11 पे यहाँ पर बॉक्स से मिलता है हमें। इस फ़ोन की बात करें तो इसका कैमरा बहुत हाईलाइट किया गया था दोस्तों, तो उसके कैमरे को ज़रूर से टेस्ट करेंगे, जो कि पीछे से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और कलर भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये कुछ अलग सा दिया है, डिज़ाइन भी यहाँ पर कैमरे का कुछ अलग रखा है, देख सकते हैं हम 64 मेगापिक्सल जो कि है। साइड से हम देखें तो फिंगरप्रिंट इसमें इन डिस्प्ले दिया गया है, एक पावर बटन दिया है, वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया गया है राइट साइड में। और ऊपर की टॉप की बात करें तो एक सेकेंड माइक्रोफोन दिया गया है। और
नीचे अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखें तो सिम ट्रे दी गई है और नीचे की साइड देखें तो स्पीकर ग्रिल और यहाँ पर यूएसबी केबल का स्लॉट और एयरफोन का स्लॉट और एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है। और बैक साइड में यहाँ पर कैमरा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इसका बैक कवर लगा के आपको मैं दिखाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अच्छा कलर है ये, थोड़ा अलग सा देखने को हमें मिला और फ़ोन का लुक भी थोड़ा अलग है, वो भी थोड़ा सा सही लगा यहाँ पर। उसके फ्रंट की बात करें तो एक नोज दी गई है यहाँ पर छोटी सी बॉटल टॉप नोज। ये इसके कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के साथ साथ। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखी होंगी जो कि वीवो ने यहाँ पर लॉन्च टाइम पर दिखाया था, जो कि काफ़ी स्लिम फ़ोन को बताया गया है। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ दोस्तों। इसमें आपको 8GB की रैम और 128GB की रोम मिलती है जो कि एक्सटेंडेबल यहाँ पर 1TB तक है। 6.44 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है जो कि सुपर एमोलेड है। और कैमरे की बात हम करें तो 64MP प्लस 8+2 यहाँ पर मिलता है रियर वाला। और जो सेल्फी कैमरा है वो 44MP यहाँ पर कैमरा है दोस्तों, जैसा कि आप ये वीडियो में भी देख पा रहे हैं। और ये आई को फोकस करता है, ये यहाँ पर अभी वीवो ने खुद अपनी वीडियो पर दिखाया है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4000mAh की लिथियम बैटरी है दोस्तों। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर दिया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जैसा कि मैंने आपको बताया था। 33W की यहाँ पर फ्लैश चार्ज यहाँ पर दिया है, जबकि फास्ट चार्जर यहाँ पर इससे बॉक्स में ही मिलता है। और एंड्रॉयड 11 दिया है जो कि बॉक्स से बाहर आपको मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियो में भी यहाँ पर वीवो ने यही दिखाया कि फास्ट चार्जिंग है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, 720G प्रोसेसर दिया है और ये 33W की फास्ट चार्जिंग है। कैमरा इसमें बहुत बढ़िया दिखाया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो पे किस प्रकार से देखने को मिलता है। और वाकई में मैंने इसका कैमरा भी टेस्ट कराया है दोस्तों, तो बहुत अच्छा मेरे को भी लगा ये फ़ोन कैमरे के मामले में। इसका मोशन सेल्फी है, सेल्फी भी बहुत बढ़िया है इसका दोस्तों। मैंने इसका कैमरा बहुत बढ़िया से टेस्ट करा, लेकिन मैं आपको इसके कुछ सैंपल ज़रूर दिखाऊँगा जो कि मैंने इसके कैमरे से लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो वीवो ने यहाँ पर अपने जो कि ट्रेलर जो दिखाए थे फ़ोन लॉन्च से पहले, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि इन्होंने अपने फ़ीचर्स दिखाए हैं। मैंने आपको इसके कुछ फ़ीचर्स ज़रूर बताए दोस्तों, उनमें से कुछ ये भी हैं। नाइट मोड के लिए बहुत बढ़िया ये कैमरा दिया है, नाइट स्पेशल यहाँ पर दिया गया है कैमरा, तो बहुत बढ़िया फ़ोटो आती है दोस्तों इसमें से। मैंने काफ़ी पिक्चर क्लिक करके देखे हैं, सुपर नाइट सेल्फी भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है इसके। बहुत कैमरा फ़ोन जिसको चाहिए उसके लिए यह बहुत बढ़िया फ़ोन हो सकता है, लेकिन प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा हाई है तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके बजट में बैठेगा कि नहीं। लेकिन ये अगर नाइट कैमरा अगर आप फ़ोन ढूंढ रहे हैं कि नाइट में आपको बहुत बढ़िया फ़ोटोग्राफी करनी है या आप फ़ोटो या फिर व्लॉग बनाते हैं तो आपके लिए यह फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। और यह स्लिम भी है काफ़ी, ये आप देख सकते हैं पीछे 64MP का कैमरा है और फ्रंट जो कि 44MP का है और इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है जो कि आई ऑटो फोकस करता है यहाँ पर। तो अभी हमने इसका कैमरा मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। नॉर्मल तो ये रहता ही है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड एक अलग से दिया है यहाँ पर जिससे कि आप नाइट मोड में यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं, और वीडियो का ऑप्शन है। फिर मोर में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, तो ये आपकी फ़ोटोग्राफी को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। मैं इसके कुछ सैम्पल शॉट भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको सेल्फी कैमरा भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। नाइट मोड इसमें भी अलग से देखने को मिलता है क्योंकि नाइट स्पेशल यहाँ पर बनाया गया है। और वही फीचर्स इसमें फ्रंट कैमरा में भी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों एक सैम्पल शॉट मैंने आपको दिखाया, ये पोर्ट्रेट मोड आपको दिखाया। ये मैंने बहुत ही कम लो लाइट में यहाँ पर फ़ोटो ली है, बहुत ही लो लाइट है यहाँ पर, बिल्कुल अंधेरा सा था उस पर भी आप देख सकते हैं। ये आउटडोर की फ़ोटो है दोस्तों, बहुत बढ़िया यहाँ पर फोटो आ रहा है। ये यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड है और ये नेचुरल आपको दिखाया है मैंने, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं कैमरे। तो बहुत बढ़िया फ़ोटो है, मेरे को तो काफ़ी पसंद आया दोस्तों। और आप बताना मुझे कमेंट करके आपको कैसा लगा यह फ़ोन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक साइड में कुछ यहाँ पर फीचर्स जो दिए गए हैं, 48MP आई डिटेक्ट ऑटो फोकस इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो बॉक्स में आप देख सकते हैं 27,990 लिखा है, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट से 24,990 में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का बटन